विशेषज्ञों के द्वारा हम लोगों को बहुत चीजें सुझाई जाएंगी और किसानों की जो मूलभूत सुविधा
किसी को सोच के हमने इशारों को खड़ा किया था। उनके आज टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आया है, उनकी कैसे बीज, उसके कैसा काम देश के अंदर हो रहा है, वो सब आयोग के द्वारा हमारे किसानों तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सोच के हमने इस आयोग को खड़ा किया। इस आयोग की रिपोर्ट पेश हुई 2012 के अंदर 28 मई 2012। आज से उस दिन से लेके ये समझिए 6 साल तक इस किसान आयोग को इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसका अध्यक्ष बना दिया पर ऐसे ही खोखला अध्यक्ष, कोई काम नहीं कर सका और आज दिन तक किसान का कोई काम नहीं हुआ है। मैं वादे करने की आदी नहीं हूं क्योंकि मैंने कभी अपने वोट वादों के ऊपर नहीं लिया है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने परिवर्तन यात्रा में जब आई थी तो मैंने नागौर के चौक में बहुत भव्य मीटिंग हुई, उस भव्य मीटिंग के अंदर मैंने सबको कह दिया था कि सबसे पहले नागौर में हम मीठा पानी, हिमालय का पानी लाके पिलाने का काम करेंगे। अभी मैं देख रही थी कि आपकी क्या स्थिति है, सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पेयजल का जोरदार संकट है, 72 घंटे में एक बार पानी मिलता है वो भी नहीं मिलता, तो राजस्थान बनारस अगर पानी आएगा तब तो जान बचेगी। और 4.5 साल के अंदर ये काम आराम से कंप्लीट कर सकती थी, परंतु किया नहीं। मैंने वायदा किया तो वायदा पूरा निभाया। 2008 में जाते जाते नागौर तक लाइन लाके नागौर में पानी चालू करवा के मैं जोड़ के गई। आप लोग सब जानते हो वो वादा पूरा किया आप लोगों के लिए, और उससे 761 करोड़ रुपया, 2300 करोड़ रुपया का पूरी की थी, उसमें से 761 करोड़ रुपया उस वक्त फेज के ऊपर दिया। और अगर सेकंड फेज चालू हो जाता तो उसमें यह सब कस्बे जिसमें ये भी कस्बा आता और 1380 गांव, उन लोगों को पानी मिल जाता और आज आप लोगों को ये ट्राई बांध करने की जरूरत ही नहीं होती। और मैं अभी आपको कहकर जा रही हूँ कि सरकार अपनी बनती है तो सबसे पहले ये पानी का काम चालू होगा और आप लोगों को मीठा पानी पिला के छोड़ूंगी। ये मेरा पहला वादा था। आज गांव टोटल गांव आपके नए हिसाब से 1600 गांव हो गए, नहीं तो टोटल 1400 गांव थे और 1400 गांव की स्कीम बनी हुई थी, पैसा अलग से बना हुआ था। जाहिर के लिए मैंने माता सुख माइंस के से पानी ले जाने का काम किया था, परंतु वो पानी भी साफ करके नहीं पहुंचाया जा रहा है। जाहिर के लोग रो के कहते हैं कि आज कोयले की बदबू आती है, कोयले का स्वाद आता है, हम ये पानी नहीं पी सकते। और सही भी है क्योंकि अगर उसको ठीक करके भेजा जाता तो लोगों को ये पानी की कीमत होती है। आज फ्लोराइड सब दूर फैला हुआ है, जापानी नहीं है, जापानी का सब नीचे चला गया है, वहाँ फ्लोराइड सब दूर है। और किसान और हमारी माता बहने आके बोलती है कि दांत मेरे दांत से हो गए हैं, मेरे परिवार के लोगों के अंदर कुबड़ापन आ गया है, और ये अगर हम लोग फ्लोराइड पानी पीते रहेंगे तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको विश्वास करा रही हूँ माता बहने, ये पानी आएगा, ये हिमालय का पानी आएगा, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आएगा और आप उनके घर में साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे, इससे आप विश्वास करिए। इसके साथ साथ किशनगढ़ से हनुमानगढ़ का हाईवे अच्छा बना, किशनगढ़ का हनुमानगढ़ का हाईवे अच्छा बना। कभी कभी आप लोग हाईवे पे चलते हो तो हमारी याद करते हो, मैंने कहा कि 407 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और 154 करोड़ रुपया इस स्टेज पे लगा 130 किलोमीटर वाला। और मैंने देखा कि सरसराती हुई बहुत ही सुंदर एक रोड बन गया है, 5 साल नहीं 6 साल निकलने को आ रहे हैं और उसके बावजूद भी वैसे की वैसी रोड है। उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एक किस्म मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि सड़कें सब दूर जहाँ जहाँ नहीं बनी है यही समझो कि बनी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ सड़कें थी वहाँ गड्ढे, ऐसे जोरदार गड्ढे। और 2 महीने से मैं ये सड़कों को देखते देखते आ रही हूँ, अगर ये सड़क बन सकती थी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने पैसे खर्च करने के बाद जो सड़कें बनी वो सही तरीके से अगर बन जाती तो गाँव वालों को सबको उससे आराम मिल जाता है, तो करना ही नहीं है हम लोग।
फिर माता बहने हमने सभी आपके बच्चों के लिए सपना देखा। आप सब यहाँ बैठे हो सोचते हो कि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। आप चाहते हो कि वो पढ़े लिखे, कभी बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टरी मुआयना भी अच्छे से उनका हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो रोजगार उनको मिल जाएगा। प्रदेश के बाहर उनको जाने की जरूरत नहीं होगी, प्रदेश के अंदर ही उनको रोजगार मिलेगा और वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए आगे चल के मददगार साबित होंगे। आप माताएं बहने, मैंने देखा कि पढ़ाई लिखाई का काम तो बिल्कुल गड्ढे में गया है। दिल्ली से खबर आती है कि आदमी तक को सबको पास कर देना चाहिए। सबको पास कर दोगे तो आपको स्कूल की क्या जरूरत है और आपको टीचर की क्या जरूरत है, नौवीं क्लास में आप काम करना शुरू कर दो। परंतु अगर ये होता है तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे अधर में पड़ जाएंगे और ये लगता ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोग नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान के बच्चों में हुनर है, वो पढ़ लिख के बढ़ेंगे तो आगे चल के अपना स्थान इस प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर अपना बना के छोड़ेंगे। और इतनी इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारे टाइम के अंदर हम लोगों ने ये समझिए 712 स्कूल तो एक ही सबसे खोले, करीबन 2000 स्कूल इस क्षेत्र के अंदर ही खोले हैं। अभी समाजीकरण के अंदर करीबन 700 स्कूल को बंद कर दिया। अब हम लोगों ने तय किया था कि ढाणी के अंदर स्कूल होगा, तो चाहे किसी भी छोटी ढाणी अगर बहुत दूर है तो वो ढाणी के बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो हो सकता है कि उनको 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, परंतु उन बच्चों को भी पढ़ाई देने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए वो 700 स्कूल हमने खोले थे ताकि उन बच्चों तक भी पढ़ाई पहुंचे, परंतु आज उनको बंद करने का काम कर दिया है। और मैं अभी देख रही थी लाडू के अंदर आपके 100 बेड का रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया, परंतु आज यह हालत है कि 3 या 4 चिकित्सकों के दम पे आपकी पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है। और डॉक्टर की कमी की वजह से मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। कभी किसी को जयपुर जाना पड़ता है तो कभी किसी को अजमेर जाना पड़ता है। और जहाँ तक टीचरों का सवाल है, वहाँ आपका बहुत ही हालत खराब है, टीचर है ही नहीं। और सब लोगों ने यह कह दिया कि जब तक टीचर नहीं बढ़ेंगे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी मुसीबत होगी, इसकी मदद आप नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये 700 स्कूल के साथ साथ 5000 बच्चों को नौकरियां भी दिलवाई, टीचर बनाए। और मैं अभी कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर भी लोगों को नौकरी देने का काम सर्वप्रथम हमारे लिए होना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो हमने सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन चालू किया था उसको बंद करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। अब जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर झगड़ा हो जाता है, लोग जाते हैं कोर्ट में और मामला बंद हो जाता है। इसलिए कम से कम लोगों को नौकरियां मिली है और राजस्थान में जितना लोगों को फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिजली की बात आपको करेंगे तो भाइयों सब लोग अपना हाथ ऊपर करके मेरे को कहते हैं कि बिजली हमको सही नहीं मिल रही है। माता बहने आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको सही बिजली मिल रही है? आपको 7-8 घंटे बिजली मिल रही है? हम लोगों ने चला के राजस्थान के इतिहास में पहली दफा एक घरेलू बिजली की लाइन माताओं बहनों के लिए चला के दी। उस लाइन के द्वारा हमने ये सोचा कि आप अपने बच्चों को घर में अगर परीक्षा होती है तो पढ़ने के लिए उनको बिजली मिल जाएगी, कोई थके मानने घर वाले आते हैं तो वहाँ ठंडक मिल जाएगी और 24 घंटे आपको बिजली देंगे। जाते जाते करीबन 22 घंटे बिजली तक हम लोग पहुंच गए थे। अब पूरा साल लोगों को मिल जाता तो आपको 24 घंटे आज तक बिजली मिलती। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि पानी के साथ साथ 24 घंटे परंतु आज की हालत किसानों से पूछती हूँ, क्या आपको पूरे 8 घंटे बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, जिस तरीके से जमीन नहीं चाहिए थी वैसे नहीं मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि आपके जो स्वास्थ्य वगैरह जो 72 घंटे के अंदर ठीक होकर वापस आने चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। मैं सुन रही हूँ कि वहाँ रिश्वत के बिना कोई काम होता ही नहीं और आज का ये VCR बन रहे हैं और ये VCR की वजह से जनता बहुत बेहद परेशान है। ये तो रहा बिजली का हाल। और मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि आप लोग इन सब चीजों से तंग नहीं हो गए थे? कितने तंग हो गए? किसानों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको सबको पानी का मुआवजा मिला? किसी को मिला किसानों को? किसान भाई बताए किसी को मिला? नहीं मिला। मैं पूछ रही थी तो बोलते थे कि नहीं किसी को नहीं मिला। किसी को ऋण बिना ब्याज के 1,50,000 का मिला? किसानों से पूछ रही हूँ। और व्यापारी चाहते हैं
व्यापारियों का क्या, व्यापारियों के ऊपर शुद्ध का युद्ध चल रहा है क्या? ये नौकरी बताओ मेरे को, चल ही रहा होगा छोड़ेगा भी आपके, इतना शुद्ध हो गया होगा अभी तक तो युद्ध, और परेशानी में पड़े ही होंगे सबके सब, ऐसा कोई नहीं है जो आज के दिन में परेशान नहीं हो रहा है। व्यापारी तो बेचारे शुद्ध है, मैं देखती हूँ सरकार पूरी तरह से आपकी शुद्धि कर रही है, पर मैं सोचती हूँ कि अगर अपनी खुद की शुद्धि कर लेते तो कितना अच्छा हो जाता। आप लोगों के पीछे पड़ के आपको जो कह रहे हैं, अगर उस चीज के ऊपर अपना सोच दे देते तो मैं समझती हूँ कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती और राजस्थान आराम से चल पड़ता। परंतु आज इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी अभी मैं देख रही थी कि आपके महानगर के अंदर करीबन 13,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ आपको कि 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी और राजस्थान नंबर एक पे था जब हमारी सरकार थी, मान रहेगा। और अगर आप ये सोच लो कि मैंने अकेले में वो काम किया था या मेरी पार्टी ने वो काम किया था या मंत्रिमंडल ने काम किया था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 26 लाख लोगों ने राजस्थान की परिसंपत्ति बनाई, जिसकी वजह से राजस्थान का नंबर इतना ऊंचा चला गया और राजस्थान 5 साल में विकसित होने की तरफ चल पड़ा। ये वो 26 लाख लोगों ने किया और हर एक आदमी को 100 रुपए मिले। महिलाओं ने जो काम छोड़ा था उनको लुगड़ियां मिली, आज मैं सुनती हूँ कि ना तो लुगड़ी मिल रहा है और ना किसी को सही समय का पैसा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा अच्छा और सुंदर राजस्थान हो जिसके बारे में लोग दूर से सुन सुन के यहाँ आए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे बढ़े? आप नहीं चाहते कि महिला सुरक्षित रहे? और चाहते हैं कि एक नया ऐसा विकसित राजस्थान हो जिसके अंदर उसका किसान मजबूत हो, उसको पानी बिजली उसके फसल के पैसे सही समय पर मिले, उसके बीज और खाद सही समय पर मिले? अगर हम चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान बने तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है। हिम्मत है उस काम को करने की? अकेले आदमी कोई नहीं कर सकता, तो पूरा परिवार जिससे करेगा तभी होगा। तो हिम्मत है, अब आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे, हमको जैसे धमका रहे हैं गुजरात जी के ऊपर किस डालने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हिंसा की कोशिश की जिसके बारे में कोई भी सुनने को तैयार नहीं। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि इन सब चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं है और आप भी मत करिए, डराएंगे धमकाएंगे लुभाएंगे। मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ कि ये सब काम 4.5 साल का क्यों नहीं किए? आज 4 महीने में कैसे याद आ गई? और कौन सी गारंटी है कि आज 4 महीने के अंदर जिस तरीके से आप हमारे रेवड़ी बांट रहे हो और कल को हमने गलती से आपको वोट भी दे दिया, तो ये 4.5 साल अगले 5 साल के किस हालात में जाएंगे वो हमने देख लिया है। और मेरी समझ से भी कोई भी आदमी उस रस्ते में चलना पड़ता है, इसीलिए आज सब लोगों से मेरा इच्छा है कहना है, उनकी हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके ये तय कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के नाम में विचार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं एक और आपको याद दिलाऊंगी, अच्छे व्यक्ति आने चाहिए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपका हाथ बटाएंगे, ऐसे व्यक्ति हो जो बात हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे, ऐसे व्यक्ति हो जो आप उनके लिए दौड़ दौड़ के काम कर सकेंगे। इसका चयन हम लोगों को अच्छी तरह से करना है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा व्यापक नया राजस्थान बना के छोड़ना है जिस राजस्थान से आज ही नहीं हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इतना ही कहकर मैं आप सबको बहुत बहुत प्यार, उसके साथ राजस्थान का इशारा मेरे को दे दिया, जय जय राजस्थान।